हाई कोर्ट के पास पूरा का पूरा मामला था। हाई कोर्ट ने ईडी को समय दिया है 22 अप्रैल तक का कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। और अब जिस तरीके से ईडी अरविंद जी के घर में फिलहाल है, बाहर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त दिख रहा है, घर के अंदर जाने की मनाही है, उनके फोन से ना मुख्यमंत्री जी से ना उनके सचिव से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा लगता है कि ईडी वालों ने उनके फोन्स वगैरह भी ले लिए हैं, पूरा का पूरा अंदेशा ये है कि अंदर रेड चल रही है और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करने वाले हैं। एक बात इससे साफ है, अगर प्रधानमंत्री जी को किसी से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी का विकल्प इस देश में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी को हो सकता है वो आज गिरफ्तार करेंगे, मगर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में अरविंद केजरीवाल की सोच वाले नए अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे। बीजेपी की तरफ से, और वो सोच जो है उस सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, 10-10 साल जेलों के अंदर रखा, हाउस अरेस्ट के अंदर रखा, मगर जो आइडिया होता है उसको गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत गलत परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि अपने विरोधियों को आप जेल में डाल दें और अकेले ही चुनाव लड़ें, तो ऐसा प्रजातंत्र में होता नहीं है। ये सीधा सीधा एक अत्याचार है कि आप एक छोटी सी पार्टी, आप तो कहते हैं कि सुपारी जितनी पार्टी है, इतनी छोटी पार्टी है, जब इतनी छोटी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, प्लीज मैं एएनआई को बाइट दे रहा हूं, जब इतनी छोटी पार्टी से इतना बड़ा डर है कि इनको गिरफ्तार ही करना है, कैसे भी गिरफ्तार करना है, तो ये बात आज जो है, इनका जो अत्याचार है वो आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने आ गया है।